46वां अध्याय श्री राम अवतार की कथा, श्री राम के जन्म से लेकर विवाह तक के चरित्र। श्री मार्कंडे जी बोले, राजन, अब मैं भगवान विष्णु के उस शुभ अवतार का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा देवताओं के लिए कंटक स्वरूप रावण अपने गणों सहित मारा गया। तुम ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो महामुनि पुलस्त जी हैं, उसके श्री विश्रवा नामक पुत्र हुआ। विश्रवा का पुत्र राक्षस रावण हुआ। समस्त लोगों को रुलाने वाला महावीर रावण विश्रवा से ही उत्पन्न हुआ था। वह महान तप से युक्त होकर समस्त लोक पर धावा करने लगा। राजन, उसने इंद्र सहित समस्त देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों को जीत लिया तथा यक्षों और दानवों को भी अपने वशीभूत कर लिया। नृपशेष इस दुष्टात्मा ने देवता आदि की सुंदरी स्त्रियां और नाना प्रकार के रत्न भी हर लिए। बलाभिमानी रावण ने युद्ध में कुबेर को जीतकर उसकी पूरी लंका और पुष्पक विमान पर भी अधिकार जमा लिया। उस लंकापुरी में दशमुख रावण राक्षसों का राजा हुआ। उसके अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो अपरिमित बल से संपन्न थे। राजन, लंका में जो कई करोड़ महाबली और पराक्रमी राक्षस निवास करते थे, वे सभी रावण का सहारा लेकर देवता, पितर, मनुष्य, विद्याधर और यक्षों का दिन रात संहार किया करते थे। नराधिप समस्त चराचर जगत उसके भय से भीत और अत्यंत दुखी हो गया था। नरेश इसी समय, जिसका पुरुषार्थ प्रतिहत हो गया था, वे इंद्र सहित समस्त देवता, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, सर्प, गुहक, सर्प, यज्ञ तथा यक्ष तथा जो अन्य स्वर्गवासी थे, वे ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके क्षीर सागर के उत्तम तट पर गए। वहाँ उस समय देवता लोग भगवान की आराधना करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने गंधपुष्प आदि सुंदर उपचारों द्वारा भगवान वासुदेव विष्णु की आराधना की और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वे उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो शीत सागर में निवास करते हैं, सर्प की संया पर सोते हैं, जिनके दिव्य चरण भगवती श्री लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सहलाए जाते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग ही जिनकी निंद्रा है, योग के द्वारा अंतकरण में जिनका ध्यान किया जाता है और जो गरुड़ जी के ऊपर आसीन होते हैं, उन आप भगवान गोविंद को नमस्कार है। शीत सागर से लहरे जिसके शरीर का स्पर्श करती है, जो सांग नामक धनुष धारण करते हैं, जिनके चरण कमल के समान है तथा जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके सुंदर चरण भक्तों द्वारा पूजित है, जिन्हें योग प्रिय है तथा जिनके अंग और नेत्र सुंदर है, उन भगवान लक्ष्मीपति को वारंवार नमस्कार है। जिनके केश, नेत्र, ललाट, मुख और कान बहुत ही सुंदर है, उन चक्रपाणी भगवान श्रीधर को प्रणाम है। जिनके वृक्षस्थल और नाभि मनोहर है, उन भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है। जिनकी भौंहें सुंदर, शरीर मनोहर तथा उच्च, दांत उज्ज्वल हैं, उन भगवान सांगधन्वा को प्रणाम है। रुचिर पिंडलियों वाले दिव्य रूपधारी भगवान केशव को नमस्कार है, जो सुंदर नख वाले, परम शांत और सविद्याओं के आश्रय है, उन भगवान गदाधर को नमस्कार है। धर्मप्रिय भगवान वामन को वारंवार नमस्कार है। असुर और राक्षसों के अंता उग्र नृसिंह रूपधारी भगवान को नमस्कार है। देवताओं की पीड़ा हरने के लिए भयंकर कर्म करने वाले तथा रावण के संहारक आप भगवान जगन्नाथ को प्रणाम है। मार्कंडे जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर भगवान हरिकेश प्रसन्न हो गए और अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाकर वे भगवान ब्रह्मा जी से बोले, पितामह, तुम देवताओं के साथ किस लिए यहाँ आए हो? ब्रह्मन जो कार्य आपड़ा हो और जिसके लिए तुमने मेरी स्तुति की है, वह बताओ। समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान ब्रह्मा जी ने उन जनार्दन से कहा। ब्रह्मा जी बोले, प्रभो, दुरात्मा रावण ने समस्त जगत में भीषण संग्राम मचा रखा है। उस राक्षस ने इंद्र सहित देवताओं को कई बार परास्त किया है। रावण के पार्श्ववर्ती राक्षसों से असंख्य मनुष्यों को खा लिया और उसके यज्ञों को दूषित कर दिया है। स्वयं रावण ने सैकड़ों हजारों देवतिकन्याओं का अपहरण किया है। कमल नयन, चूंकि आपको छोड़कर दूसरे देवता रावण का वध करने में समर्थ नहीं है, अतः आप ही उसका वध करें।
ब्राह्मण के उस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु उसके यूं बोले, ब्राह्मण मैं तुम लोगों के हित के लिए जो बात बता कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी पर सूर्य वंश में उत्पन्न श्रीमान दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो पराक्रमी राजा हैं भी मैं उन्हीं का पुत्र होऊंगा। सप्तम रावण का वध करने के लिए मैं अंशतः चार स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी आप सभी देवताओं को आदेश दे कि वे अपने अपने अंश से वानर रूप में अवतीर्ण हो। इस प्रकार करने से ही रावण का संहार होगा। देव भगवान के यों कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता उसको प्रणाम करके मेरु शिखर पर चले गए और पृथ्वी तल पर अपने अपने अंश से वानर रूप में अवतीर्ण हुए। तदनंतर पुत्रहीन राजा दशरथ ने द्विवेद के पारागामी मुनियों द्वारा पुत्र की प्राप्ति करने वाले पुत्रेष्टि नामक यज्ञ का अनुष्ठान कराया तथा तब भगवान की प्रेरणा से अग्निदेव सुवर्ण पात्र में रखी हुई ओम की खीर हाथ में लिए कुंड में से प्रकट हुए। मुनियों ने वह खीर ले ली और मंत्र पढ़ते हुए उसके दो सुंदर पिंड बनाए। उन्हें मंत्र से अभिमंत्रित कर उन दोनों पिंडों को कौत्सल्या तथा कैकेयी के हाथ में दे दिया। महामते पिंड भोजन के समय उस दोनों रानियों ने दोनों पिंडों में से थोड़ा थोड़ा निकालकर सौभाग्यवती सुमित्रा को दे दिया। फिर उन तीनों रानियों ने विधिपूर्वक उन पिंड क्षीर पिंडों का भोजन किया। उन देव निर्मित पिंडों का भक्षण करने के कारण उन सभी रानियों ने उत्तम गर्भ धारण किए। पृथ्वीनाथ इस प्रकार भगवान विष्णु लोकहित के लिए रही राजा दशरथ से उनकी तीनों रानियों के गर्भ से अपने चार अंशों द्वारा वे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न नामक चार रूप धारण करके प्रकट हुए। मुनियों द्वारा जातकर्म आदि संस्कार हो जाने पर वे मंत्रयुक्त पिंड के अनुसार दो दो एक साथ रहते हुए सामान्य बालकों की भांति विचरने लगे। उनमें राम और लक्ष्मण सदा एक साथ रहते थे। नरपाल जात कर्मादि संस्कारों से संपन्न हो वे दोनों महान शक्तिशाली भाई पिता की प्रसन्नता बढ़ाते हुए बढ़ने लगे। उसके शुभ लक्षण अश्रुतपूर्ण एवं विनीता वर्णनातीत थे अथवा वे वेद और व्याकरणादि शास्त्रों में पारंगत होने के शुभ लक्षण से सुशोभित थे। राजन कैकेयी नंदन भरत अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ प्रायः घर पर ही रहते थे। नृपोत्तम उन्होंने वेद शास्त्र और अस्त्र विद्या भी सीख ली थी। इन्हीं दिनों महातपस्वी विश्वामित्र जी ने यज्ञ विधि से भगवान मधुसूदन का यजन आरंभ किया, परंतु पहले उस यज्ञ में बहुत बार राक्षसों द्वारा विघ्न डाला गया था। नृपशेष इसलिए इस बार विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए राम तथा लक्ष्मण को ले जाने के निमित्त उनके पिता के सुंदर महल में आए। महाबुद्धिमान दशरथ जी उन्हें देखकर उठ खड़े हुए और अर्घ पाद्य आदि उपचारों द्वारा उन्होंने विधिपूर्वक विधिवत उनकी पूजा की। इस प्रकार उसके द्वारा सम्मानित हो मुनि ने अन्य राजाओं के निकट विराजमान राजा दशरथ से कहा, राजसिंह महाराज दशरथ सुनो, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह तुम्हारे सामने निवेदित करता हूँ। मेरे यज्ञ का दुर्घर्ष राक्षसों ने अनेक बार नष्ट किया है, अतः उसकी रक्षा के लिए तुम राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। नरेश्वर विश्वामित्र जी की बात सुनने पर राजा दशरथ वे मुख पर विषाद छा गया। वे उनसे बोले, भगवान मेरे ये दोनों पुत्र अभी बालक है, उसके इनसे आपका कौन सा कार्य सिद्ध होगा। मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, यथाशक्ति यज्ञ की रक्षा करूंगा। राजा की बात सुनकर मुनि ने उससे बोला, नरपाल राम भी उन सभी राक्षसों का नाश कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। सच तो ये है कि राम के द्वारा ही वे राक्षस मारे जा सकते हैं, तुम्हारे द्वारा नहीं। अतः राजन तुम्हें राम को ही मुझे दे देना चाहिए और किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि के द्वारा योग कहने पर राजा क्षण भर के लिए चुप हो गए और फिर उन मुनीश्वर से बोले, मुनीश्वर मैं जो कह रहा हूँ उसे आप प्रसन्नतापूर्वक सुने। मैं कमल लोचन राम को लक्ष्मण के सहित आपको दे तो दूंगा, परंतु ब्राह्मण इनकी माता इन्हें देखे बिना मर जाएगी।
इसलिए मुने मेरा ऐसा विचार है कि मैं स्वयं ही चतुरंगनी सेना के साथ चलकर सब राक्षसों का वध करूं। विश्वामित्र जी ये सुनकर उन अमित तेजस्वी राजा से ही पुनः बोले, नृपशेष रामचंद्र अबोध नहीं है, वे सर्वज्ञ समदर्शी और परम समर्थ हैं, इसमें संशय नहीं है कि तुम्हारे ये दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण साक्षात नारायण एवं शेषनाग हैं। नराधिप दुष्टों को दंड देने और सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए ये दोनों आपके घर में अवतीर्ण हुए हैं, इसमें संशय संदेह नहीं है। राजन, इनकी माता तथा आपको इस विषय में थोड़ी सी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज, ये मेरे पास धरोहर के तौर पर रहेंगे। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर मैं इन दोनों को आपके हाथ में दे दूंगा। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के यूँ कहने पर दशरथ जी मन ही मन उनके साप से डरते हुए बोले, अच्छा इन्हें ले जाइए। राजन, पिता के द्वारा बड़ी कठिनता से छोड़े गए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले विश्वामित्र जी मुनि तब अपने सिद्धाश्रम की ओर प्रशस्त हुए। उन्हें जाते देख उस समय राजा दशरथ कुछ दूर पीछे पीछे गए और तब मुनि से इस प्रकार बोले, साधु श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं पहले दीर्घकाल तक पुत्रहीन रहा, मुनियों की कृपा से अपने अनेक सुकाम यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करके अब पुत्रवान हो सका हूँ। अतः मुने, मैं मन से भी इस पुत्र का अधिक काल तक वियोग नहीं सह सकूँगा, ये बात आप ही जानते हैं, अतः इन्हें ले जाकर फिर यथासंभव शीघ्र मेरे पास पहुँचा दीजिएगा। उनके यों कहने पर विश्वामित्र जी ने पुनः राजा से कहा, ये आप अपना यज्ञ समाप्त हो जाने पर मैं पुनः श्री राम और लक्ष्मण को यहाँ ले आऊँगा तथा अपने वचन को सत्य करते हुए उन्हें वापस कर दूंगा, आप चिंता न करें। विश्वामित्र जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा ने उनके साप की आशंका से भयभीत हो इच्छा न रहते हुए भी श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी उन दोनों भाइयों को साथ ले धीरे धीरे अयोध्या से बाहर निकले। राजेंद्र सरयू के तट पर पहुंचकर महामती विश्वामित्र जी ने चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण को प्रेमवश पहले बला और अतिबला नाम की दो विद्याएं प्रदान की, जो श्रुधा और पिपासा को दूर करने वाली हैं। मुनि ने उन विद्याओं को मंत्र और संग्रह मतलब उपसंग्रह पूर्वक सिखाया। फिर उसी समय उन्हें संपूर्ण अस्त्र समुदाय की शिक्षा देकर वे साधु श्रेष्ठ मुनि श्री राम और लक्ष्मण को अनेक आत्मज्ञानी मुनीश्वरों के दिव्य आश्रम देखते और पवित्र तीर्थ स्थानों में निवास करते हुए गंगा नदी को पार कर सोनभद्र के पश्चिम तट पर जा पहुँचे। मार्ग में मुनियों धर्मात्मा और सिद्धों का दर्शन करते हुए तथा ऋषियों से वर प्राप्त कर राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा उस ताड़का वन में ले जाए गए जो यमराज के दूसरे मुख के समान भयंकर था। नृपशेष वहां पहुंचकर महातपस्वी विश्वामित्र जी ने अनायास ही महान कर्म करने वाले राम से कहा, महाबाहु राम, ये इस महान वन में रावण की आज्ञा से ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है, उसने बहुत से मनुष्यों मुनिपुत्रों और मृगों को मारकर अपना आहार बना लिया है, अतः सत्तम तुम उसका वध करो। मुनिवर विश्वामित्र जी के इस प्रकार कहने पर राम ने उनसे कहा, महामुनि, आज मैं स्त्री का वध कैसे करूँगा, क्योंकि बुद्धिमान लोग स्त्री वध में महान पाप बतलाते हैं। श्रीराम की बात सुनकर विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, राम, उस ताड़का को मारने से सभी मनुष्य सदा के लिए निर्भय हो जाएंगे, इसलिए उसका वध करना तो पुण्यदायक है। मुनिवर विश्वामित्र जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि वह महाघोर राक्षसी ताड़का मुँह फैलाते हुए आ पहुँची। तब मुनि की प्रेरणा से राम ने उसकी ओर देखा, वह मुँह बाएँ आ रही थी, उसकी छड़ी सरीखी एक बाह ऊपर की ओर उठी थी। कटी प्रदेश में मेखला मतलब करदनी की जगह लिपटी हुई मनुष्य की आंतड़ी लटक रही थी। इस रूप में आती हुई उस निशाचरी को देखकर श्री राम ने स्त्री वध के प्रति होने वाली घृणा और ब्राण को एक साथ ही छोड़ दिया। राजन, उन्होंने मनुष्य धनुष पर बाण रखकर उसे वेढ़ बड़े वेग से छोड़ा। उस बाण ने ताड़का की छाती के दो टुकड़े कर दिए। फिर तो वह धरती पर गिरी और मर गई।
इस प्रकार ताड़का का वध करवाकर मुनि श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपने उस दिव्य सिद्धाश्रम पर ले आए जो बहुत से मुनियों द्वारा सेवित था। वह आश्रम विंध्य पर्वत की मध्यवर्तिनी उपत्यका में विद्यमान था। वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष और लता समूह फैले हुए थे और भांति भांति के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह आश्रम अनेक झरणों से जल से सुशोभित तथा साक एवं मूल फलादि से उत्पन्न था संपन्न था। वहाँ उन दोनों राजकुमारों को विशेष रूप से शिक्षा देकर मुनि ने उसको यज्ञ की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तदनंतर महान तपस्वी श्री विश्वामित्र जी ने यज्ञ आरंभ किया। महात्मा विश्वामित्र जी ज्यों ही यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए उस यज्ञ का कार्य चालू हो गया। उसमें ऋत्विज गण अपना अपना कार्य करने लगे। तब रावण के द्वारा नियुक्त मरीच सुबाहु तथा अन्य सुबाहु से राक्षसगण यज्ञ नष्ट करने के लिए वहाँ आए। उस सबको वहाँ आया जान कमलनयन श्री राम ने बाण मारकर सुबाहु नामक राक्षस को तो धराशायी कर दिया। वह उस अपने शरीर से रक्त की वर्षा ही सी करने लगा। उसके बाद भल्ला नामक बाण का प्रहार करके श्री राम ने मरीच को उसी तरह समुद्र के तट पर फेंक दिया जैसे वायु पत्ते को उठाकर दूर फेंक दे। तदनंतर श्रीराम और लक्ष्मण दोनों मिलकर शेष सभी राक्षसों का वध कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के द्वारा यज्ञ की रक्षा होती रहने से महायशस्वी विश्वामित्र ने उस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करके ऋत्विजों का दक्षिणादि से पूजन किया। शत्रु दमन उस यज्ञ के सदस्यों का भी यथोचित समादर करके विश्वामित्र जी ने श्रीराम और लक्ष्मण की भी भक्तिपूर्वक पूर्व पूजा एवं प्रशंसा की। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज तदनंतर ही उस यज्ञ में मिले हुए भोगों से संतुष्ट देवताओं ने भगवान राम के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार भाई लक्ष्मण के साथ विनयशील श्री रामचंद्र जी राक्षसों से प्राप्त भय का निवारण करके विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण कराकर नाना प्रकार की पावन कथाएं सुनते हुए मुनि के द्वारा उस स्थान पर लाए गए जहां शिला बनी हुई अहल्या थी। राजेंद्र पूर्व काल में इंद्र के साथ व्यभिचार करने से अपने पति गौतम का शाप प्राप्त कर अहल्या पत्थर हो गई थी। उस समय राजा का दर्शन पाते ही वह शाप से राम का दर्शन पाते ही वह साप से मुक्त हो पुनः अपने पति गौतम के पास चली गई। तदनंतर विश्वामित्र जी ने वहाँ क्षण भर विचार किया कि मुझे कमलोचन रामचंद्र जी का विवाह करके उन्हें अयोध्या ले चलना चाहिए। ये सोचकर अपने शिष्यों से घेरे हुए महातपस्वी विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले मिथिला की ओर चल दिए। उसके जाने से पूर्व ही वहाँ सीताजी से विवाह करने की इच्छा वाले अनेक महान पराक्रमी राजकुमार नाना देशों से जनक के वहाँ पधारे थे। उन सबको आया देख राजा वो जनक ने उसका यथोचित प्रकार सत्कार किया और जो सीता के स्वयंवर के लिए ही प्रकट हुआ था वह महान माहेश्वर धनुष का चंदन और पुष्प आदि से पूजन करके उसे रमणीय शोभा से संपन्न सुविस्तृत रंग मंच पर लाकर रखवाया। तब राजा जनक ने वहाँ पधारे हुए उन समस्त राजाओं के प्रति उच्च स्वर से कहा, राजकुमारों जिसके खींचने से ये धनुष टूट जाएगा वह सर्वांग सुंदरी सीता उसकी धर्मपत्नी हो सकती है। महात्मा जनक के द्वारा ऐसी बात सुनाए जाने पर वे नरगण क्रमशः उस धनुष को लेकर चढ़ाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु बारी बारी से उस धनुष द्वारा ही झटके खाकर कांपते हुए वे दूर गिर जाते थे। राजन उनसे उस सभी भूपालों पर वहाँ बड़ी लज्जा हुई। नरेश्वर उन सब के निराश हो जाने पर वीर राजा जनक उस शिव धनुष को यथास्थान रखवाकर श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में वहाँ ही ठहरे रहे। इतने में विश्वामित्र जी मिथिला नरेश के राजभवन में आ पहुंचे। जनक ने श्री राम लक्ष्मण तथा शिष्यों से युक्त विश्वामित्र जी को अपने भवन में आया देख उस समय उनकी विधिवत पूजा की। फिर ब्राह्मण का अनुसरण करने वाले तथा लावण्य आदि गुणों से लक्षित रघुवंश नाथ बुद्धिमान श्री राम एवं शील सदाचार आदि गुणों से युक्त महापति लक्ष्मण का भी यथोचित पूजन करके जनक जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए।
तत्पश्चात सोने के सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठकर छोटे छोटे बड़े शिष्यों से घेरे हुए मुनिवर विश्वामित्र जी से वे बोले, भगवान अब मुझे क्या करना चाहिए। मार्कंड जी कहते हैं, राजा जनक की ये बात सुनकर मुनि ने उनसे कहा, महाराज ये राजा राम साक्षात भगवान विष्णु है। तीनों लोगों की रक्षा के लिए दशरथ के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, अतः देवकन्या के समान सुशोभित होने वाली सीता का विवाह तुम इन्हीं के साथ कर दो, परंतु राजेंद्र नराधिप तुमने सीता के विवाह में धनुष तोड़ने की शर्त रखी है, अतः अब उस शिव धनुष को लाकर यहाँ उनकी अर्चना करो। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने अनेक भूपालों का मान भंग करने वाले उस अद्भुत शिव धनुष को पूर्ववत वहां रखवाया। तत्पश्चात कमल लोचन दशरथ नंदन राम विश्वामित्र जी के आज्ञा देने पर राजाओं के बीच से उठे और ब्राह्मणों तथा देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने वह धनुष उठा लिया। फिर उस महाबाहु ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उसकी टंकार की। राजा राम के द्वारा बलपूर्वक खींचे जाने पर वह महान धनुष सहसा टूट गया। तब सीताजी सुंदर माला लेकर आई और उन संपूर्ण क्षत्रियों के निकट भगवान राम के गले में यह माला डालकर उन्होंने उसका विधिपूर्वक पति रूप से वर्णन किया। उससे वहाँ आए हुए सभी महाबली क्षत्रिय कुपित हो गए और श्री रामचंद्र जी पर सब ओर से आक्रमण एवं गर्जना करते हुए उन पर बाण वर्षाने लगे। उन्हें यो करते देख श्री राम ने भी वेगपूर्वक धात में धनुष ले प्रत्यंचा की टंकार से उन सभी नरेशों को कंपित कर दिया और अपने अस्त्रों से उन सबके बाण तथा रथ काट डाले। इतना ही नहीं, श्री राम ने लीलापूर्वक ही उनके धनुष तथा पताकाएं भी काट डाली। तदनंतर मिथिला नरेश भी अपनी सारी सेना तैयार करके उस संग्राम में जामाता श्री राम की रक्षा करते हुए उसके पुष्ट पोषक हो गए। इधर महावीर लक्ष्मण जी ने भी युद्ध में उन राजाओं को मार भगाया तथा उसके हाथी घोड़े और बहुत से रथ अपने अधिकार में कर लिए। अपने आवाहन छोड़कर भागे जाते हुए उन राजाओं को मार डालने के लिए लक्ष्मण उसके पीछे दौड़े, तब उन्हें मिथिला नरेश जनक और विश्वामित्र जी ने मना कर दिया। राजाओं की सेना पर विजय पाए हुए महावीर राम को लक्ष्मण सहित साथ ले राजा जनक ने अपने सुंदर भवन में प्रवेश किया। उसी समय उन्होंने राजा दशरथ के पास एक दूत भेजा। दूत के मुख से सारी बातें सुनकर राजा को सब वृत्तांत ज्ञात हुआ। तब श्रीमान राजा दशरथ अपनी रानियों और पुत्रों को साथ ले हाथी घोड़े और रथ आदि वाहनों से संपन्न हो सेना के साथ तुरंत ही मिथिला में पधारे। राजन जनक ने भी राजा दशरथ का भलीभांति सत्कार किया। फिर विधिपूर्वक जीन के पाणिग्रहण की शर्त पूरी की जा चुकी थी, उस अपनी कन्या सीता को राम के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात अपनी अन्य तीन कन्याओं को भी जो परम सुंदरी और आभूषणों से अलंकृत थी लक्ष्मण आदि तीन भाइयों के साथ विधिपूर्वक ब्याह दी। इस प्रकार विवाह कर लेने के पश्चात कमललोचन श्री राम अपने भ्राताओं माता और बलवान पिता के साथ कुछ दिनों तक नाना प्रकार के भोजनादि के से सत्कृत हो मिथिलापुरी में रहे। फिर महाराज दशरथ को अपने पुत्रों के साथ अयोध्या जाने के लिए उत्कंठित देखा। राजा जनक को सीता के लिए बहुत सा धन और दिव्य रत्न देकर श्री राम के लिए अत्यंत सुंदर वस्त्र क्रिया कुशल हाथी घोड़े और दास दिए एवं दासी के रूप में बहुत सी सुंदर स्त्रियां भी अर्पित की। उन बलवान भोपाल ने बहुत से रत्नमय आभूषणों द्वारा विभूषित सुंदरी साध्वी पुत्री सीता को रथ पर चढ़ाकर देव वेद ध्वनि तथा अन्य मांगलिक शब्दों के साथ विदा किया। अपनी दिव्य कन्या सीता को विदा कर राजा जनक दशरथ जी तथा विश्वामित्र जी एवं वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके लौट आए। तब जनक की अति सौभाग्यशालिनी रानियां भी अपनी पुत्रियों को ये शिक्षा देकर कि सुबह तुम पति की भक्ति तथा सास ससुर की सेवा करना, उन्हें उनकी सासुओं को सौंप नगर में लौट आई। कहते तदनंतर यह सुनकर कि राम अपनी प्रबल सेना के साथ अयोध्यापुरी को लौट रहे हैं, परशुराम ने उनका मार्ग रोक लिया।
उन्हें देखकर सभी राजपुरुषों का हृदय कातर हो गया। नरेश्वर परशुराम के भय से राजा दशरथ भी अपनी स्त्री तथा परिवार के साथ दुखी और शोकमग्न हो गए। तब उत्कृष्ट तपस्वी ब्रह्मचारी महामुनि वशिष्ठ जी दुखी राजा दशरथ तथा अन्य सब लोगों से बोले, वशिष्ठ जी ने कहा, तुम लोगों को यहाँ श्रीराम के लिए तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पिता माता भाई तथा अन्य वृद्धजन थोड़ा सा भी खेद न करें। नरपाल, ये श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान विष्णु है। समस्त जगत की रक्षा के लिए उन्होंने तुम्हारे घर में अवतार लिया है, इसमें संदेह नहीं है। जिनके नाम मात्र का कीर्तन करने से संसार रूपी भय निवृत्त हो जाता है, वे परमेश्वर ही साक्षात जहाँ साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान है, वहाँ भय आदि की चर्चा भी कैसे की जा सकती है। प्रभु, जहाँ श्री रामचंद्र जी की कथा मात्र का भी कीर्तन होता है, वहाँ मनुष्य के लिए संक्रामक बीमारी और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। वशिष्ठ जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि भृगुवंशी परशुराम जी ने अब सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र से कहा, राम तुम अपना ये राम नाम त्याग दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो। उसके यों कहने पर रघुकुल नंदन श्री राम ने राम मार्ग में खड़े हुए उन परशुराम जी से कहा, मैं राम नाम कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम्हारे साथ युद्ध ही करूँगा, संभल जाओ। उसने इस प्रकार कहकर कमलोचन श्री राम अलग खड़े हो गए और उन वीरवर से उस समय वीर परशुराम के सामने ही धनुष की प्रत्यंचा की टंकार की। तब परशुराम जी के शरीर से वैष्णव तेज निकलकर उस प्राणियों के देखते देखते श्री राम के मुख में समा गया। उस समय भृगुवंशी परशुराम ने श्री राम की ओर देख प्रसन्न मुख होकर कहा, महाबाहु श्री राम आप ही राम है, अब इस विषय में मुझे संदेह नहीं है। प्रभु, आज मैंने आपको पहचाना, आप साक्षात विष्णु ही इस रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वीर, अब आप अपने इच्छानुसार जाइए, देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए और दुष्टों का नाश करके साधु पुरुषों का पालन कीजिए। श्री राम, अब आप स्वेच्छानुसार चले जाइए, मैं भी तपोवन को जाता हूँ। यो कहकर परशुराम जी उन दशरथ आदि के द्वारा मुनि भाव से पूजित हुए और तपस्या के लिए मन में निश्चय करके महेंद्राचल को चले गए। तब समस्त बारातियों तथा महाराज दशरथ को महान हर्ष प्राप्त हुआ और वे वहाँ से चलकर रामचंद्र जी के साथ अयोध्यापुरी के निकट पहुँचे। उधर संपूर्ण पूर्ववासी मंगल में अयोध्या नगरी को सब और दिव्य सजावट से सुसज्जित करके शंख और दुदुम्बी आदि गाजे बाजे के साथ उसकी अगवानी के लिए निकले। नगर के बाहर आकर वे रण में अजय श्री राम जी को पत्नी सहित नगर में प्रवेश करते हुए देखकर आनंदमग्न हो गए और उन्हीं के साथ अयोध्या में प्रविष्टित हुए। तत्पश्चात मुनिवर विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने निकट आया हुआ देखकर उन्हें उसके पिता दशरथ था विशेष रूप से उनकी माताओं की को समर्पित कर दिया। तब राजा दशरथ द्वारा पूजित होकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी सहसा लौट जाने के लिए उद्यत हुए। इस प्रकार महामुनि विश्वामित्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ श्री राम जी को, जो अपने पिता को एकांत प्रिय थे, समर्पित कर दिया और उसके समक्ष बारंबार उसका गुणगान करके हंसते हुए वे अपने श्रेष्ठ सिद्धाश्रम को चले गए। इस प्रकार से नृसिंह पुराण में रामावतार विषयक 46वां अध्याय पूरा हुआ।